हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आयशा का किचन। आज आयशा के किचन में बन रहे हैं हरे कटलेट। हरे कटलेट के लिए मैंने पालक को बॉईल करके पीस लिया है, हरी मिर्ची को भी पीस लिया है, आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है, और ये रवा है और ये नमक। इसमें बस सिर्फ ये 5 चीज़ें ही डलेगी और इंशाल्लाह ये कटलेट बहुत ही टेस्टी बनेंगे। हम ये 5 चीज़ों को एक पार्ट में लेके मिक्स कर लेंगे। हमने ये सभी चीज़ें मिक्स कर ली है। इसे हमें इतना कड़क रखना है कि हम हाथ में लेके इसे मन चाहा शेप दे सके। आपको जो भी शेप इसे देना हो वो शेप आप इसे दे सकते हैं। मैं इसे इस कटर की सहायता से बना रही हूँ। इस कटर की सहायता से मैंने इसे ये दिल शेप दिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। ये जल्दी ही फ्राई हो जाएंगी क्योंकि आलू भी बॉईल है और पालक भी बॉईल करके हमने पीसा है, तो इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए एक अच्छा आइटम है ये। बच्चे पालक पसंद नहीं करते, तो पालक खिलाने का ये एक अच्छा तरीका है। ये हमारे हरे कटलेट कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद करते हैं तो इसमें आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, और लहसुन अदरक अगर डालना चाहे तो लहसुन अदरक भी पीस के डाल सकते हैं। हमने ये छोटे बच्चों को ध्यान में रख के बनाया है, इसलिए बहुत कम मसाले लिए हैं। फ्रेंड्स, ये हरे कटलेट हमारे कंप्लीट है। आपको ये डिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आप मेरी हर रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप पालक का पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो पालक के साथ विटामिन सी वाली चीज़ ज़रूर खाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।